हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पांडे सर। सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजन द इंग्लिश गुरु में तहे दिल से स्वागत है गाइस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आज से लेकर के आऊँगा, जो आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या एकेडमिक लेवल की, वे लड़के जो 10th में 12th में CBSE ICSE बोर्ड, या वे बच्चे जो SSC बैंक रेलवे एयरफोर्स नेवी NDA की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो आज से बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले ये सवाल हमारा खड़ा होता है कि जो वर्ड मीनिंग के टॉपिक्स हैं उन पर हमारा कंट्रोल कैसे हो, उन पर हमारा प्रैक्टिस और उन पर हमारी पकड़ कैसे हो। सो दोस्तों, एक आप बात ध्यान में रखे रहेगा कि अगर आपको कोई भी वीडियो देखते हो और देख करके बस आप सोचोगे कि वो वीडियो में जो दिए गए वर्ड्स थे हमको याद हो जाएंगे, तो ये मुश्किल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ड्स प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी वर्ड आप सीखते हो ना, तो उस पर एक दो आप सेंटेंस प्रोड्यूस कर लो और उसको थोड़ा सा दैनिक जीवन में यूज़ कर लो, तो वर्ड सदैव के लिए आपके दिमाग में हो जाएंगे। अन्यथा वर्ड मीनिंग कमांड करने का कोई भी समाधान नहीं है। दोस्तों, आप पेन कॉपी का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पेन और कॉपी का इस्तेमाल अगर करते हो तो आपको वर्ड मीनिंग सीखने में बहुत नहीं डिफ़िकल्टीज होगी। गारंटी कर रहे हैं आपसे कि बहुत कम समय में आप इन वर्ड मीनिंग पर कमांड कर सकते हैं। दोस्तों, कंपटीशन या विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की जो वर्ड मीनिंग होती है ना, वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और उसको कमांड के लिए हमें प्रैक्टिस करना ही होगा। केवल वीडियो देख लेने से हमें ये नहीं होगा कि हमारा इस वर्ड पर कमांड हो गया, आपको प्रैक्टिस करने होंगे। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए idiom एंड phrases शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले समझाऊँ कि idiom एंड phrases होता क्या है। idiom एंड phrases आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की कर रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स नेवी या बैंक की तैयारी कर रहे हो, या वे लड़के जो क्लास 12th की समय एग्ज़ाम दे रहे हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के परीक्षाओं के लिए ये idiom एंड phrases आने ही आने हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी idiom एंड phrases आते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम idiom एंड phrases के बारे में बताते हैं। दोस्तों, idiom एंड phrases इंग्लिश लैंग्वेज का वह पार्ट होता है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो करके वाक्य को काफ़ी रोचकदार बना देता है। सो दोस्तों, आज से हम लोग idiom एंड phrases भी शुरू करेंगे, जिसमें मैं आप लोग को पहला idiom एंड phrases है आपके स्क्रीन के सामने लिखा गया है, all in all। दोस्तों, all in all का मतलब क्या होता है? all in all का मतलब होता है सर्वे सर्वा, यानी कि सब कुछ। अगर इस पर कोई वाक्य बनाने के लिए कहे तो आप इस पर बना सकते हो, माई फादर इज all in all इन माई फैमिली। या अगर दूसरा वाक्य बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो बना सकते हो, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज all इन अ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी जिले का सर्वे सर्वा होता है। दोस्तों, दूसरा देखें idiom एंड phrases, अ बोन ऑफ कंटेंशन। दोस्तों, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। सो दोस्तों, अगर हम इसको अगर वाक्य में प्रोड्यूस करना हो तो आप अपने अनुसार कर सकते हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा छोटा मोटा भी वाक्य आप बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो, मैं कहूं दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। सो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे मैं वर्ड मीनिंग के वीडियोस लेकर के आऊँगा और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। बस आप पेन का कॉपी का इस्तेमाल करिए और प्रैक्टिस के माध्यम से मैं जो वाक्य बना रहा हूँ उसका भी अभ्यास करें और अपने से भी वाक्यों को प्रोड्यूस करना सीखें दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो समझ में आ होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वे बच्चे जो मेरे वीडियो पर नए होंगे वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मेरे वीडियो नए आएंगे उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।